Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. RJ Arvind ke saath birthday biographies. आप में से कितनों को पता है कि 2012 में टाइम मैगजीन ने 1923 के बाद बनी 100 मोस्ट कल्ट क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड सिनेमा का एक लिस्ट बनाया, जिसमें 1951 की रिलीज राज कपूर साहब की आवारा उसी लिस्ट में शामिल है। तू भी बेघर, मेरा भी कोई घर बार नहीं, मेरी तरह तू भी प्यार का फूका है। फर्क सिर्फ इतना है कि तू जानवर है और मैं इंसान। एक तो राज कपूर साहब की बड़ी इनोसेंट आईज और वंडरफुल एक्सप्रेशंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब समस्या चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की हो या सर्कस के कलाकारों की या फिर सोशल सिस्टम ऑफ मैरिज, राज कपूर साहब ने ना बहुत खूबसूरती से एंटरटेनमेंट को यूज करके इन मुद्दों को पर्दे के सामने पेश किया है। वैसे अगर मैं राज कपूर साहब के बारे में बात करूं तो 1970s की मेरा नाम जोकर मुझे याद आती है। आप में से कितनों को पता है कि 1955 में श्री 420 के प्रोडक्शन के दौरान ये आइडिया उनके दिमाग में आ गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम जोकर ना बॉक्स ऑफिस पर उतनी हिट नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑडियंस ना इस फिल्म को ठीक से समझ भी नहीं पाई। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे इंटेलेक्चुअल मूवीज में से एक मानी जाती है। इसके बाद वो कुछ टूट से गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1970s में एक और मूवी रिलीज हुई, बॉबी, जहां पर उन्होंने ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को ज्वाइन किया। वैसे अगर मैं 70s और 80s की बात करूं तो बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसी खूबसूरत फिल्में याद आती है मुझे। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपया महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपया महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। जब 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई तो वो सिर्फ 20 साल की थी और 8 फिल्मों में ऑलरेडी काम कर चुकी थी। राज कपूर की उम्र मेरे ख्याल से उस समय 22 साल की थी। तब तक उन्होंने कोई फिल्म भी नहीं डायरेक्ट किया था। इस मुलाकात की कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। अब उन्हें पता लगा कि नरगिस जी की माँ जदन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो और जूलियट की शूटिंग कर रही है। वो जानना चाहते थे कि उस स्टूडियो में किस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। जब राज कपूर साहब जदन भाई के घर पहुंचे तो नरगिस जी ने खुद दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी जहां वो पकोड़े तल रही थी। बेख्याली से उनका हाथ उनके बालों को छू गया और उसे देखकर बस लव एट फर्स्ट साइट हो गया राज कपूर साहब को। वैसे अगर आपको ये सीन कुछ फेमिलियर लग रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि कई सालों बाद राज कपूर साहब ने इसी सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नरगिस ने इस मुलाकात को किस तरह से लिया। बस फिर क्या, हाक की शूटिंग के दौरान राज कपूर साहब प्यार में पड़ गए नरगिस जी के, और जब नरगिस राज कपूर की पहली फिल्म आग में काम करने के लिए राजी हुई तो उनकी मां ने जोर दिया कि पोस्टर में उनका नाम कामनी कौशल और निगार सुल्ताना से ऊपर रखा जाए। पृथ्वी राज कपूर के रिक्वेस्ट पर जद्दन बाई अपनी बेटी के लिए सिर्फ 10,000 रुपए की फीस लेने पर राजी हो गई। आज के दिन में आई थिंक वी कैन सेफली लुक अप द स्काइज एंड थैंक द मैवरिक फिल्म मेकर फॉर ऑल द लवली फिल्म्स। राज कपूर साहब, आप जहां पर भी हैं, रेस्ट इन पीस। We wish you a very happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Radio Nasha.